बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैर वाफियत से हैं। एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पार्ट फोर हम लोग कर रहे हैं, दैट इज़ आर्किटेक्चर ऑफ सिलेक्टेड एपीएस। उम्मीद है आप लोग इस कोर्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, और आज का टॉपिक आप लोग यकीनन तैयार भी करके आए होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे हम लोग बात शुरू करते हैं फिर द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर, और केस स्टडीज़ में जैसे मैं हर केस स्टडी से पहले बताता हूँ आप लोगों को कि जो पिछली केस स्टडी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेसन्स लर्नड हैं, समरी के साथ साथ हम लोग उनको भी रिवाइज करते हैं ताकि एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो साथ साथ हम लोगों के मूव ऑन होती रहे। तो एज फार एज समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर इज कंसर्न्ड, आप लोगों को याद होगा वी टॉक्ड अबाउट दैट विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग द रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंट the as is situation with a new tool is real. Organizational changes or business process re-engineering ke bagair implementing as is situation ek new tool ke saath real iska risk jo hai wo real hota hai. The 2BVN needs to be propagated by the upper management towards the different organizations of the company to reduce their resistance to change. ये जो 2BVN है इसको जरूरत होती है propagate करने की एक upper management के through different organizations से relevant के company जो है वो अपनी resistance to change को reduce करे, means open हो change के लिए, जिसको ऑफ कोर्स एक्सेप्ट किया जा सके और आपके सिस्टम्स या आपकी जो है वो हार्मोनाइजेशन के अंदर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। दिस हैज प्रूवन मेनली ट्रू व्हेन एवर बाउंड्रीज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस हैड टू बी ब्रोकन डाउन। ये प्रूव हो चुका है खास तौर पर, सही साबित हुआ है खास तौर पर जब बाउंड्रीज जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान टूट जाती हैं। The KPI measurements should follow the new processes and be revised accordingly. ये जो key performance indicator measurements हैं इनको follow किया जाना चाहिए new processes के साथ और इसी तरीके से revise भी होना चाहिए। Keeping previous KPIs will not facilitate change. पिछले KPIs को रखने से चेंज जो है वो फैसिलिटेट नहीं होता। एज द ओल्ड वे ऑफ वर्किंग इज इम्पोज्ड, अगर आप पिछला वे ऑफ वर्किंग जो है उसी को ही इम्पोज करते चले जाएं तो द प्लानिंग प्रोसेसेस हैव टू बी सीन एंड डिफाइंड इन एन इंटीग्रेटेड वे। जो प्लानिंग प्रोसेसेस हैं इनको देखा जाना चाहिए और डिफाइन किया जाना चाहिए इंटीग्रेटेड वे के अंदर। डिमांड प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटीरियल्स रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग हैव टू बी इंटीग्रेटेड टेक्निकली एंड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो डिमांड प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, इनको इंटीग्रेट होना चाहिए टेक्निकली और एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स इसके अंदर तब्दीलियां आनी चाहिए। VMI processes based on collaborative planning, forecasting and replenishment could not partly be realized. ये जो VMI processes हैं जो collaborative planning, forecasting और replenishment के ऊपर बेस करते हैं इनको realize नहीं किया जा सकता। The marketing affiliates, although part of the same company, were granted control of the replenishment demand towards the plants. ये जो मार्केटिंग एफिलिएट्स हैं ऑल्दो चाहे एक ही कंपनी के हैं इनको कंट्रोल ग्रांट किया गया रिप्लेनिशमेंट के ऊपर, रिप्लेनिशमेंट डिमांड के ऊपर टुवर्ड्स द प्लांट्स। दे वर एक्सेप्टिंग द रिजल्ट ऑफ द रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग रन, ये एक्सेप्ट कर रहे थे रिजल्ट्स को रिप्लेनिशमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग रन के ऊपर एंड और चेंजिंग द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और रिजल्ट्स की चेंजिंग को उनकी नीड्स के मुताबिक।
allowing manual override of the VMI concept. Manual override को VMA concept के उसको allow करते हुए. Therefore, contingencies have to be built up in form of inventory to cover uncertain changes in the affiliate's requirements. इसलिए contingencies को बनाया जाना चाहिए इन्वेंट्री की फॉर्म के अंदर ताकि अनसर्टन चेंजेस को कवर किया जा सके एफिलिएट रिक्वायरमेंट के अंदर. एनिलेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द वीएमआई प्रोसेस. द सक्सेस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ वीएमआई सिनेरियो इज नॉट डिटरमिंड बाय द टेक्निकल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स. ये जो वीएमआई सिनेरियोस की इंप्लीमेंटेशन की कामयाबी है ये डिटरमिन नहीं होती सिर्फ टेक्निकल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स के साथ बट स्ट्राइकिंगली ड्रिवन बाय द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर एबिलिटी टू रिलाय ऑन वन अनदर. लेकिन स्ट्राइकिंगली ये ड्राइव होती है पार्टनर्स और इनकी एबिलिटी एक दूसरे पर रिलाय करने की उनके दरमियान रिलेशनशिप के थ्रू. ग्लोबल मास्टर प्लानिंग रन एज फोरसीन एंड सप्लाइड बाय सैप APO SNP will be implemented gradually only. ये जो ग्लोबल मास्टर प्लानिंग रन है जो कि फोरसीन है और सप्लाई किया जाता है SAP, APO और SNP के थ्रू ये इंप्लीमेंट किया जाता है ग्रेजुअली. द चेंज मैनेजमेंट एफर्ट्स फ्रॉम द फंक्शन ओरिएंटेड सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन टू अ सिंगल एंड इंटीग्रेटेड यूरोपियन सप्लाई चेन इज एस्टिमेटेड एज अ प्रोजेक्ट रिस्क due to the expected resistance within the organizations. ये जो change management effort है oriented supply chain organization के function से एक single और integrated European supply chain की तरफ ये estimate की जाती है project risk के through ताकि expected resistance जो है organization में इसको reduce किया जा सके. Reactivity of the supply chain will only increase once the master planning can be executed in one integrated step. ये जो reactivity है supply chain की ये सिर्फ increase होगी जब master planning जो है ये execute हो जाएगी एक integrated step के अंदर. ये तो थी summary. अब कुछ important चीजें जो कि I was interested कि आप लोगों के साथ दोबारा से discuss करूं. पहली थी प्रोसेस इंटीग्रेशन और आप लोगों को याद होगा पिछला केस हम लोगों का फार्मास्यूटिकल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से था इसलिए इसकी प्रोसेस इंटीग्रेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डिटेल्ड स्केड्यूलिंग प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स डिमांड इनटू फीजिबल प्रोडक्शन प्रपोजल्स एंड फीड्स बैक इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन इनटू द प्लानिंग प्रोसेसेस. प्रोडक्शन प्लानिंग और डिटेल्ड स्केड्यूलिंग प्रोसेस जो है जो ट्रांसफॉर्म करता है डिमांड को फीजिबल प्रोडक्शन प्रपोजल्स के अंदर और फीडबैक इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एक्चुअल प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन की प्लानिंग प्रोसेसेस के अंदर. आउट ऑफ द मास्टर प्लान जनरेटेड बाय द सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग मॉड्यूल प्लान्ड ऑर्डर्स आर क्रिएटेड टू बी फर्दर प्रोसेस्ड बाय PPDS. मास्टर प्लान में से जो कि जनरेट होता है सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग मॉड्यूल से ये जो प्लान्ड ऑर्डर्स हैं ये क्रिएट किए जाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू बाय PPNDS. एज अ फर्स्ट स्टेप इन द ओवरऑल प्लानिंग साइकिल द SNP प्लान्ड ऑर्डर्स आर मैन्युअली कन्वर्टेड इनटू PPDS प्लान्ड ऑर्डर्स बाय द प्लानर. एज अ फर्स्ट स्टेप ये जो ओवरऑल प्लानिंग साइकिल है SNP प्लान्ड ऑर्डर्स जो हैं ये मैन्युअली कन्वर्ट किए जाते हैं PPDS प्लान्ड ऑर्डर्स के अंदर एक प्लानर के थ्रू. Compared to the bucketized SNP orders, the PPDS orders are time continuous. Bucketized SNP orders ki nisbat jo PPDS orders hain, ye time continuous hote hain. That is, they have a precise start and end time. Ke inka ek precise start aur inka ek end time hota hai. The PPDS production orders are planned with respect to the critical materials only that may constrain the plan. ये जो PPDS production orders हैं ये plan किए जाते हैं critical materials के through सिर्फ जो के constrain करते हैं plan को. Uncritical materials
not constraining the plan are planned by the MRP process in R3. ये जो अनक्रिटिकल मटेरियल्स हैं जो कि प्लान से कंस्ट्रेन नहीं होते, ये प्लान किए जाते हैं एमआरपी प्रोसेस के थ्रू R3 में, बेस्ड ऑन द पीपीडीएस प्रोडक्शन प्लान, जो कि पीपीडीएस प्रोडक्शन प्लान पर बेस करते हैं. देन देयर वाज अदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू वंस अगेन डिस्कस विद यू, दैट इज मास्टर प्लानिंग एपीओ एसएनपी. द सैप एपीओ एसएनपी सॉल्यूशन was designed to take full advantage of the standard functionalities of the tool. ये जो SAP APO SNP solution है, ये design किया गया पूरा पूरा advantage लेने के लिए standardized functionalities का इस tool की, and to prepare the company for the future steps in master planning performed by APO SNP on a 24-month horizon. और prepare करने के लिए company को future steps के लिए मास्टर प्लानिंग के थ्रू, जो कि एपीओ एसएनपी 24 महीनों पर जो बेस करता है. ग्लोबल नेटवर्क रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट फ्लो ऑफ मटेरियल्स. ग्लोबल नेटवर्क जो कि रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट फ्लो ऑफ मटेरियल को फ्रॉम एफिलिएट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. एफिलिएट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक द फार्मास्यूटिकल एंड द केमिकल प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल और केमिकल प्लांट्स में इंटीग्रेशन ऑफ क्रिटिकल सप्लायर्स, क्रिटिकल सप्लायर्स के दरमियान इंटीग्रेशन फॉर डायरेक्ट परचेजिंग एज वेल एज थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स विद मॉनिटरिंग ऑफ देयर अवेलेबिलिटी कैपेसिटी. क्रिटिकल सप्लायर्स के दरमियान इंटीग्रेशन डायरेक्ट परचेजिंग के लिए एज वेल एज थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स, तीसरी पार्टी से जो लिए जाते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ देयर अवेलेबल कैपेसिटी के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ द वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री सिनेरियो. वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री सिनेरियो की यूटिलाइजेशन 20 एफिलिएट्स के साथ. वीकली रिलीज ऑफ द फोरकास्ट फ्रॉम डिमांड प्लानिंग टू एसएनपी. फोरकास्ट का वीकली रिलीज डिमांड प्लानिंग से एसएनपी तक. डिमांड कंस्ट्रेंड बाय द सप्लाई प्लान बेस्ड ऑन द ग्लोबल एसएनपी ऑप्टिमाइजर रन. ये डिमांड जो कि कंस्ट्रेंड है सप्लाई प्लान से, जो बेस करती है ग्लोबल एसएनपी ऑप्टिमाइजर रन के ऊपर. मॉनिटरिंग ऑफ द सप्लाई नेटवर्क विद जनरेशन ऑफ अलर्ट्स डिपेंडिंग ऑफ द प्लानिंग सिचुएशन. सप्लाई नेटवर्क की मॉनिटरिंग जो कि जनरेट करती है अलर्ट्स को प्लानिंग सिचुएशन के मुताबिक. डिप्लॉयमेंट ऑफ द अवेलेबल सप्लाई एट द प्लांट्स एंड एट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स टू द VMI कस्टमर्स. अवेलेबल सप्लाई की डिप्लॉयमेंट प्लांट की और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की VMI कस्टमर्स के अंदर. ट्रांसपोर्ट लोड बिल्डिंग टू प्रपोज एन ऑप्टिमाइज लोडिंग ऑफ द डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स. ये ट्रांसपोर्ट लोड बिल्डिंग प्रपोज करने के लिए एक ऑप्टिमाइज लोडिंग को डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के लिए, जिसमें ट्रक है, एयर कार्गो है, सी कंटेनर है, पार्सल है, फॉर द VMI कस्टमर्स ओनली, सिर्फ VMI कस्टमर्स के लिए. Then SNP planning process, another important thing. The SNP planning process is based on a weekly planning run of the SNP optimizer for the complete supply chain except the third party manufacturers. SNP planning process जो है ये base करता है weekly planning run के ऊपर SNP optimizer की. एक complete supply chain में except third party manufacturers, तीसरी पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के अलावा. बेस्ड ऑन द वीकली रिलीज ऑफ द फोरकास्ट फ्रॉम द डिमांड प्लानिंग मॉड्यूल एट द VMI कस्टमर्स. VMI कस्टमर्स के डिमांड प्लानिंग मॉड्यूल की वीकली रिलीज जो है उसकी फोरकास्ट, एंड एट द शिपिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर नॉन VMI कस्टमर्स. और जो शिपिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है नॉन VMI कस्टमर्स के लिए, द ऑप्टिमाइजर इज प्लानिंग द नेटवर्क वाइल रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स. ऑप्टिमाइजर प्लान करता है नेटवर्क को इन कंस्ट्रेंट्स को जहन में रखते हुए, मतलब VMI कस्टमर्स के लिए भी और नॉन VMI कस्टमर्स के लिए भी स्पेसिफिक सिचुएशंस में. सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या है? प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स एट द प्लांट्स. प्लांट्स पर प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है? ड्यू डेट्स ऑफ द डिमांड. डिमांड की ड्यू डेट्स क्या है?
safety stock levels at the VMI customers. VMI customers के safety stock levels क्या है? Availability of the critical components like active ingredients from the chemical plants. Critical components की availability क्या है? जैसे active ingredients की chemical plants से. Fixed lot size of the formulation batches. Formulation batches के fixed lot sizes. Distribution and transportation lead times. Distribution और transportation के lead times. Lead times means distribution से लेकर transportation तक इनके lead times क्या है? एक जगह से दूसरी जगह में कितना वक्त लगता है? Then क्या-क्या results attain किए? और lessons क्या-क्या learn किए हम लोगों ने पिछले केस से? Achieved results. The main benefits envisioned in the business case prior to the APS implementation were achieved. Main benefits जो कि एक business case से APS को implement करने से पहले जो NVN हुए वो क्या-क्या थे? These are in detail. Number one, the visibility and the problem solving capabilities of the entire organization improved by the use of a common databases and a common visualization tool allowing better and faster decisions. ये जो visibility और problem solving capabilities हैं पूरी organization की ये improve हुई. क्यों? किस तरह? एक common databases use करने से और common visualization tool इस्तेमाल करने से जिसने अच्छे और तेज decisions को improve किया. In other words, एक common database और common visualization tool को इस्तेमाल करने से organization की visibility और problem solving increase होती है और decision making तेज भी होती है और बेहतर भी होती है. The second benefit was system-based finite capacity scheduling and fast simulation capabilities improved the plan stability and resource utilization significantly. ये जो system-based finite capacity scheduling है और fast simulation capabilities हैं ये भी improve हुई. इन्होंने improve किया plan stability को और source utilization को significantly. Then the third benefit was collaborative demand planning with the customers allows for a proactive stabilization of the demand as changes in the demand by the customer are compared with the constrained demand from the previous master planning run and expectations are generated. ये जो collaborative demand planning है customers के साथ ये allow करती है एक proactive stabilization को. डिमांड में जैसा चेंजेस आती हैं डिमांड के अंदर कस्टमर्स के साथ और इसको कंपेयर करती हैं कंस्ट्रेंट डिमांड के साथ प्रीवियस मास्टर प्लानिंग में और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो जनरेट की जाती हैं. इन अदर वर्ड्स ऑफ कोर्स फोरकास्टिंग के साथ ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट द एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर एज वेल. देन द मास्टर प्लानिंग रन एनेबल्स द कंपनी टू बेटर फोरसी द फ्यूचर capacity issues and plan accordingly future investments. तो जो master planning run है ये इस काबिल बनाता है कंपनी को कि वो बेहतर foresee कर सके future capacity issues को और plan कर सके accordingly future investments को. In other words, ये जो master planning run है जब हम लोग master plannings लेकर चलते हैं तो इसके साथ कंपनी जो है ये बेहतर तरीके से future को foresee करना शुरू करती है, issues को identify करती है और of course future investments को properly प्लान भी किया जा सकता है. बाय रिड्यूसिंग द ऑर्डर टू कैश साइकिल एज वेल एज पुशिंग फॉर मोर कोलैबोरेशन विद द एफिलिएट्स थ्रू अ वीएमआई प्रोसेस द इन्वेंट्री लेवल्स वर रिड्यूस्ड. ये ऑर्डर से कैश साइकिल को रिड्यूस करने में करने से एज वेल एज ज्यादा कोलैबोरेशंस को एफिलिएट्स के साथ इंप्रूव करने से VMI प्रोसेस के थ्रू इन्वेंट्री लेवल जो है ये भी रिड्यूस हो जाते हैं. कैसे? ऑफ कोर्स जब आप लोग ऑर्डर से कैश साइकिल को रिड्यूस करते हैं और फिर आप लोग पुश करते हैं कि ज्यादा कोलैबोरेशंस और एफिलिएट्स के साथ तो आप लोगों को बल्क ऑर्डर्स नहीं करने पड़ते. जब बल्क ऑर्डर्स नहीं होते तो आपका इन्वेंट्री लेवल जो है वो रिड्यूस कर जाता है और इन्वेंट्री लेवल को रिड्यूस करने से क्या होता है? आपकी कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है और ऑब्सोलेसेंस के भी चांसेस बहुत
रिड्यूस हो जाते हैं. द कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट एंड द रिडक्शन ऑफ सप्लाई चेन स्टेप्स हैव इंक्रीज द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोसेसेस. ये जो कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट है और सप्लाई चेन स्टेप्स में रिडक्शन जो है ये इंक्रीज करती है ओवरऑल रिलायबिलिटी को प्रोसेसेस की. इन अदर वर्ड्स मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि अगर हम लोग सप्लाई चेन के प्रोसेसेस को रिड्यूस करें और कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट को एनहांस करें तो जो आपके प्रोसेसेस हैं इनकी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है. द रिड्यूस टाइम टू मार्केट हैज लेसन द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंसेस विच इज एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर टू इंप्रूव द कैश फ्लो ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. ये जो टाइम रिडक्शन है चीज का मार्केट में लेकर जाना ये रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस को भी रिड्यूस करता है. जाहिर है जब आप जल्दी मार्केट के अंदर पहुंचा देंगे मार्केट से कस्टमर की तरफ जाएगी तो आपके पास चीज ज्यादा स्टे नहीं करेगी तो ऑब्सोलेसेंस भी रिड्यूस कर जाती है जो कि एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी में. ऑफकोर्स जब आप लोग अपनी चीजों को इन्वेंट्री को मार्केट में सेल आउट करेंगे तो ऑफकोर्स द सेल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द कैश और ऑफकोर्स आपका कैश साइकिल जो है वो इंप्रूव करता चला जाता है. तो यहां पर यह बात की जा सकती है कि जो कोलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट हैं और सप्लाई चेन स्टेप्स के अंदर जो रिडक्शन है ये ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस को तो इंक्रीज करती ही करती है. इसके साथ साथ ये जो रिड्यूस टाइम है इसके साथ ऑब्सोलेसेंस भी डिक्रीज होती है और आपका कैश लेवल इंक्रीज करता है. द नेक्स्ट बेनिफिट इज बाय कंसोलिडेटिंग द सिस्टम लैंडस्केप द आईटी मेंटेनेंस कॉस्ट वर रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली. सिस्टम लैंडस्केप को कंसोलिडेट करने से आपका जो आईटी मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है. कैसे? जब आप लोग सिस्टम लैंडस्केप को ऑफकोर्स कंसोलिडेट कर देते हैं ज्यादा जगहों पे बिखरी हुई चीजें नहीं है तो आपका जो आईटी कॉस्ट है वो खुद बहुत डिक्रीज करेगा. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मास्टर डेटा एनेबल्स द विजिबिलिटी एंड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फास्टर अक्रॉस द सप्लाई चेन. ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है मास्टर डेटा की ये विजिबिलिटी को इस काबिल बनाता है और इंटरचेंजेबिलिटी को जिससे आपकी इंफॉर्मेशन जो है ये तेज होती है पूरी सप्लाई चेन के अंदर. क्योंकि द मास्टर डेटा इज स्टैंडर्डाइज नाउ ऑफकोर्स और वो स्टैंडर्डाइज डेटा जो है उसकी मूवमेंट मजीद आसान हो जाती है आपके पूरे सप्लाई चेन प्रोसेस के अंदर और आसान भी हो जाती है और फिर तेज भी हो जाती है. और अगर ये पूरी इंफॉर्मेशन तेज होगी तो डिसीजन मेकिंग वुड बी ऑल्सो फास्टर एंड द डिसीजन मेकिंग वुड बी रिलायबल एज वेल. द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड फॉर टास्क परफॉर्म प्रीवियसली मैनुअली और बेस्ड ऑन रॉन्ग इंफॉर्मेशन वॉज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. ये जो आपका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड है टास्क का जो आपने परफॉर्म किए पहले चाहे वो मैनुअली थे चाहे वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पर बेस करते थे ये भी रिड्यूस हो जाते हैं. कैसे? जब इन्फॉर्मेशन इज क्लियर इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसपेरेंट तो आपका जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड है टास्क के लिए ये भी रिड्यूस कर जाता है और ऑफ कोर्स आपकी जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो भी रिड्यूस हो जाती है और आपका जो रिलायबिलिटी है दैट बिकम्स इंक्रीज्ड. Then seven local organizations grew together into one European organization. अब ये सात मुख्तलिफ local organizations grew होकर एक European organization के अंदर convert हो गई. तो collaborations have been increased. In other words, अब अगर मैं इसको overall conclude करूँ इसके lessons learned को और इसके benefits को तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये different collaborations, different of course चीज़ों में harmonization, standardization की वजह से आपकी cost भी decrease करती है आपके benefits भी increase करते हैं और आपकी overall recognition भी market के अंदर increase होती है और आपकी supply chain जो है वो drive कर सकती है आपको market के अंदर. अब तो ऑफकोर्स इन लेक्चर 31 इस बात को मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर आप सप्लाई चेन से रेलिवेंट तमाम चीजों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. तो ये तो था आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसको आप लोगों ने देखा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस. नाउ चैप्टर 26 लेक्चर आपका 31 है ये एंड इंटीग्रेटेड कंपेन प्लानिंग स्केजुलिंग एंड ऑर्डर कंफर्मेशन इन द
स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री की, जिसमें क्या देखने जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड कैंपेन प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और ऑर्डर कंफर्मेशन इन द स्पेशलिटी, जो कि केमिकल इंडस्ट्री है। लेआउट कुछ इस तरह होगा आज के लेक्चर का। इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करेंगे, केस डिस्क्रिप्शन एज यूजुअल, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे, देन वील टॉक अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ द प्लानिंग सिस्टम, फिर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड ऑर्डर कन्फर्मेशन एंड सप्लाई प्लानिंग विद OMP प्लस, देन एज यूजुअल वील टॉक अबाउट द रिजल्ट्स एंड लेसन्स लर्नड। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो बात शुरू करें। ओके, द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर इज टू डॉक्यूमेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड ऑर्डर एलोकेशन प्रोडक्शन प्लानिंग डिजाइन यूजिंग OMP प्लस। इस चैप्टर का बेसिक पर्पज क्या है, कि हम डॉक्यूमेंट कर सकें एक इंटीग्रेटेड ऑर्डर एलोकेशन प्रोडक्शन प्लानिंग डिजाइन की इंप्लीमेंटेशन को OMP प्लस को इस्तेमाल करते हुए। क्या ऑब्जेक्टिव हुआ, बेसिक पर्पज इस चैप्टर का यह है कि हम लोग जब इंप्लीमेंट करते हैं एक इंटीग्रेटेड ऑर्डर एलोकेशन या प्रोडक्शन प्लानिंग डिजाइन को OMP प्लस को इस्तेमाल करते हुए उसको डॉक्यूमेंट किया जा सके। आफ्टर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस एंड द चैलेंजेस विल डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ द प्लानिंग सिस्टम। केस को डिस्क्राइब करने के बाद और चैलेंजेस को डिस्क्राइब करने के बाद हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर की प्लानिंग सिस्टम के, पुटिंग एम्फेसिस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन OMP प्लस एंड SAP ERP। और हमारा एम्फेसिस किस बात पे होगा, कि इनके दरमियान में इंटरेक्शन कैसे किया जा सकता है OMP प्लस और SAP ERP के दरमियान। फाइनली विल डिस्क्राइब द ऑर्डर कन्फर्मेशन एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। फाइनली हम लोग बात करेंगे ऑर्डर कन्फर्मेशन के ऊपर और प्रोडक्शन प्लानिंग के ऊपर, प्रोडक्शन प्लानिंग वर्क फ्लो के ऊपर, एंड हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। और फिर ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, विल ट्राई टू हाईलाइट देम एज वेल। सो द केस डिस्क्रिप्शन, द कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फिल्म्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी लेमिनेटेड ग्लास। जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं ये दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक मैन्युफैक्चरर है, किस चीज़ का, फिल्म्स का, जो कि इस्तेमाल होती है सेफ्टी लेमिनेटेड ग्लासेस की, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेफ्टी लेमिनेटेड ग्लास इज यूज्ड इन द ऑटोमोटिव, आर्किटेक्चरल एज वेल एज इन द फोटोवोल्टेइक इंडस्ट्री। सेफ्टी लेमिनेटेड ग्लास इस्तेमाल होता है ऑटोमोटिव, आर्किटेक्चरल एज वेल एज फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट टू स्ट्रेंथनिंग ग्लास द फिल्म ऑल्सो इंप्रूव्स साउंड इंसुलेशन एंड और प्रोवाइड्स कलर टू द विंडो। स्ट्रेंथनिंग ग्लास के बाद फिल्म इंप्रूव करती है साउंड इंसुलेशन को और विंडो को मुख्तलिफ कलर्स भी देती है। क्या फंक्शन है इसका, ये जो लेमिनेटेड ग्लास की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ग्लास को तो स्ट्रेंथन करती ही करती है लेमिनेशन, ये फिल्म जो है ये साउंड इंसुलेशन को भी इंप्रूव करती है और विंडो के कलर को भी बेहतर बनाती है। द फिल्म्स आर एडहेसिव सोल्ड इन रोल्स। फिल्म्स जो हैं ये रोल्स में बेची जाती हैं। दीज नीड टू बी स्टोर्ड रेफ्रिजरेटेड। इनको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करना पड़ता है। द कंपनी ऑल्सो प्रोड्यूसेस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। कंपनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करती है, दैट इज द रेजिन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सट्रूजन ऑफ फिल्म्स। जैसे कि रेजिन्स और जो प्लास्टिसाइजर्स हैं जो कि एक्सट्रूजन ऑफ फिल्म के लिए जरूरी होते हैं। द कंपनी ऑपरेट्स प्लांट्स इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया फॉर बोथ इंटरमीडिएट्स एंड फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग, सी लेबरेटॉन एट ऑल 2010।
कंपनी ऑपरेट करती है प्लांट्स को नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप में और एशिया में दोनों, इंटरमीडिएट्स और फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ। प्रोक्योरमेंट, द कंपनी परचेजेस बल्क केमिकल कमोडिटीज ग्लोबली यूजिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी बल्क केमिकल कमोडिटीज परचेज करती है पूरी दुनिया से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। दीज प्रोवाइड प्राइस स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज ऑफ अ मिनिमम ऑर्डर वॉल्यूम। ये प्राइस स्टेबिलिटी देती है मिनिमम ऑर्डर वॉल्यूम की एक्सचेंज में। नेवरदलेस ड्यू टू द वोलेटिलिटी ऑफ द ऑयल एंड गैस मार्केट्स प्राइसेस कैन बी इंडेक्स बेस्ड। ये जो ऑयल एंड गैस मार्केट्स की वोलेटिलिटी है प्राइसेस की, इसकी वजह से इसकी प्राइसेस भी जो हैं ये इंडेक्स बेस्ड होती हैं। मोस्ट ऑफ द अदर रॉ मटेरियल्स आर परचेज लोकली बाय द प्लांट्स। इसके अलावा भी जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं ये परचेज किए जाते हैं लोकली प्लांट्स के थ्रू। देन प्रोडक्शन, द कंपनीज प्रोडक्शन चेन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेजेस। कंपनी की प्रोडक्शन चेन जो है वो तीन स्टेजेस पर बेस करती है, इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म एक्सट्रूजन एंड फिनिशिंग ऑपरेशंस। कौन कौन सी? नंबर वन इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरी फिल्म एक्सट्रूजन है, थर्ड वन इज फिनिशिंग ऑपरेशंस। इंटरमीडिएट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन फोर साइट्स वर्ल्ड वाइड। ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ये मैन्युफैक्चर होते हैं चार साइट्स के ऊपर पूरी दुनिया में। ईच प्लांट प्रोड्यूसिंग जेनेरिक मटीरियल्स एज वेल एज स्पेशलिटी मटीरियल्स दैट कैन बी सिंगल सोर्स्ड। हर प्लांट जो है, ये जो चार साइट्स के ऊपर हैं, हर प्लांट जेनेरिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जेनेरिक के साथ साथ स्पेशलिटी मटीरियल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है जिसको सिंगल सोर्स भी किया जाता है। फिल्म एक्सट्रूजन टेक्स प्लेस इन फोर प्लांट्स वर्ल्ड वाइड। फिल्म एक्सट्रूजन जो है ये चार प्लांट्स में होती है सारी दुनिया में, ईच ऑफ देम ऑपरेटिंग बिटवीन वन और सेवरल एक्सट्रूजन लाइन्स। इनमें से हर एक ऑपरेट करती है एक या मुख्तलिफ एक्सट्रूजन लाइन्स के अंदर। ईच एक्सट्रूजन लाइन हैज स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स और वेट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड। हर एक्सट्रूजन लाइन जो है इसकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स और वेट्स जो कि प्रोसेस की जा सकती हैं। फिल्म्स लाइक इंटरमीडिएट्स आर प्रोड्यूस्ड इन कंपेन्स। फिल्म्स इंटरमीडिएट्स की तरह कंपेन्स में प्रोड्यूस की जाती हैं। द फिल्म्स कैन बी कट टू एन ऑल्टरनेटिव विड्थ और बी इंटरलीव ड्यूरिंग फिनिशिंग ऑपरेशंस। फिल्म को काटा जा सकता है ऑल्टरनेटिव विड्थ के अंदर और इंटरलीव भी किया जा सकता है फिनिशिंग ऑपरेशंस के अंदर। इंटरलीविंग कंसिस्ट ऑफ अनवाइंडिंग द रोल्ड फिल्म्स एंड इंसर्टिंग एन इंटरलेयर दैट विल अलाउ फॉर अनरेफ्रिजरेटेड स्टोरेज। ये इंटरलीविंग क्या होती है? इंटरलीविंग कंसिस्ट करती है अनवाइंडिंग ऑफ द रोल, रोल को अनवाइंड करके और इसमें एक इंटरलेयर इंसर्ट करना जो कि अलाउ करती है अनरेफ्रिजरेटेड स्टोरेज को भी। अदरवाइज तो आपको ऑफकोर्स रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग इंटरलीविंग परफॉर्म करें तो इंटरलीविंग के थ्रू यू गाइज कैन स्टोर इट अनरेफ्रिजरेटेडली। द बिल ऑफ मटीरियल इज डाइवर्जेंट। बिल ऑफ मटीरियल कन्वर्जेंट नहीं होता, ये डाइवर्जेंट होता है। द कंपनी परचेजेस लेस देन 10 की रॉ मटीरियल्स एंड प्रोड्यूसेस अ डजन ऑफ इंटरमीडिएट मटीरियल्स विच आर यूज टू एक्सट्रूड मोर देन 100 डिफरेंट फिल्म फॉर्मुलेशंस। कंपनी कोई 10 की रॉ मटेरियल्स से कम परचेज करती है और कोई 12 के करीब इंटरमीडिएट मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है जो कि इस्तेमाल होते हैं मोर देन 100 डिफरेंट फिल्म फॉर्मुलेशंस को एक्सट्रूड करने में। टू मिनिमाइज कटिंग लॉसेस एट द कस्टमर द कंपनी सेल्स रोल्स ऑफ फिल्म्स इन सेंटीमीटर विड्थ इंक्रीमेंट्स। ये जो कटिंग लॉसेस हैं कस्टमर पे, इनको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए,
कंपनी रोल्स को सेंटीमीटर विड्थ इंक्रीमेंट्स पे सेल करती है. हेंस इन अ ईयर द कंपनी विल सेल एंड और स्टोर अप टू 10,000 डिफरेंट फिनिश गुड्स कॉम्बिनेशंस. तो इस तरह एक साल में कंपनी बेच सकती है या स्टोर कर सकती है 10,000 डिफरेंट फिनिश गुड्स कॉम्बिनेशंस को. देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स. द रोल्स आर डिस्पैच्ड टू अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. रोल्स डिस्पैच किए जाते हैं ग्लोबल नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के, लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ द की कस्टमर्स, जो कि की कस्टमर्स की विसिनिटी में मौजूद होते हैं. ईच डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैज इट्स ओन प्रोडक्ट ऑफरिंग. हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली ऑर्डर, जो कि डिपेंड करती है इस बात पर कि कस्टमर्स क्या फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते हैं. इन केस एन एसकेयू वुड नॉट बी अवेलेबल, अगर एसकेयू अवेलेबल नहीं है, द कंपनी माइट सेंड अनदर एसकेयू इंस्टेड. तो कंपनी इसकी जगह दूसरा एसकेयू भेज देती है. द कंपनी हैज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग विच इंडिकेट्स व्हाट साइजेस आर मेक टू स्टॉक एंड विच वंस आर मेक टू ऑर्डर. कंपनी अपनी एक स्टैंडर्ड ऑफरिंग रखती है जो कि इंडिकेट करती है कौन से साइजेस मेक टू स्टॉक करने हैं और कौन से साइजेस को मेक टू ऑर्डर करना है. कस्टमर्स शुड एक्सपेक्ट लॉन्गर लीड टाइम्स फॉर मेक टू ऑर्डर एसकेयूज एंड कैन डिसाइड टू ईदर वेट और ऑर्डर टू मेक टू स्टॉक एसकेयू. कस्टमर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए एक लंबा लीड टाइम फॉर द मेक टू ऑर्डर एसकेयू और डिसाइड कर सकते हैं इंतजार करना या फिर ऑर्डर कर सकते हैं मेक टू स्टॉक एसकेयू. ड्यू टू द वाइड नंबर ऑफ फिनिश गुड्स कॉम्बिनेशंस, बहुत ज्यादा फिनिश गुड्स कॉम्बिनेशन होने की वजह से द फोरकास्ट एक्यूरेसी एट एसकेयू लेवल इज लो. एसकेयू लेवल के ऊपर इसकी फोरकास्ट एक्यूरेसी जो है ये लो होती है. मेकिंग फोरकास्ट एट दिस लेवल इम्प्रैक्टिकल, जिसकी वजह से फोरकास्ट जो है इस लेवल पर इम्प्रैक्टिकल हो जाती है. द फैक्ट दैट कस्टमर्स हैव मल्टीपल सप्लायर्स ऑफ फिल्म डज कॉन्ट्रीब्यूट टू द रेंडमनेस ऑफ डिमांड. ये जो फैक्ट है कि कस्टमर्स के पास मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं फिल्म्स के, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं रेंडमनेस ऑफ डिमांड की तरफ. अ समरी ऑफ द सप्लाई चेन एट्रीब्यूट्स इज प्रोवाइडेड इन टेबल 26.1. ये जो सप्लाई चेन एट्रीब्यूट्स की समरी है ये इस टेबल के अंदर दी गई है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट. अ प्रोडक्शन प्लानर scheduler has thousands of order lines to manage in parallel. Production planner या scheduler के पास thousands of orders होते हैं line में parallelly manage करने के लिए. Hence, manual planning has never been an option. इसलिए manual planning जो है कभी भी option नहीं हो सकती. Prior to the introduction of the OMP planning suite, it was also clear that SAP MRP and the PP module did not provide enough functionality to handle the business requirements in terms of visibility. OMP planning ke introduction se pehle ye bilkul clear tha ki SAP MRP aur PP module jo hai ye enough functionality provide nahi karte jisse business requirement in terms of visibility ko handle kiya ja sake. Flexibility and user friendliness, visibility, फ्लेक्सिबिलिटी और यूजर फ्रेंडलीनेस को टैकल किया जा सके. अ ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल कुड ओनली बी अचीव्ड विद एन इम्प्रूव वे ऑफ डायनामिकली टाइंग सप्लाई विद डिमांड. एक ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है ये सिर्फ किया जा सकता है अचीव एक इम्प्रूव वे ऑफ डायनामिकली टाइंग सप्लाई विद द डिमांड. डिमांड और सप्लाई को अगर डायनामिकली टाई कर दिया जाए. Taking into account the business rules ko consider karte hue. Hence the objectives of the projects were, isliye project ke objective kuch yun the. Number one, transfer the manually created allocation plan ko transfer kiya jaye
इंक्लूडिंग बिजनेस रूल्स टू अ प्लानिंग सॉफ्टवेयर. बिजनेस रूल्स को इंक्लूड करते हुए एक प्लानिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, दस क्रिएटिंग रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी ऑन अवेलेबल सप्लाई वर्ल्ड वाइड. रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करते हुए अवेलेबल सप्लाई वर्ल्ड वाइड के लिए. नंबर टू, असेस और सिमुलेट द इंपैक्ट ऑफ स्केड्यूलिंग चेंजेस ऑन इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट्स एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट. ऑर्डर फुलफिलमेंट और इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट जो है, इसके चेंजेस को स्केड्यूल करते हुए इनकी असेसमेंट और सिमुलेशन करना. बेटर कोऑर्डिनेट रेजिन शीट प्रोडक्शन टू मिनिमाइज इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स रेजिन एंड शीट्स. ये रेजिन शीट प्रोडक्शन की बेटर कोऑर्डिनेशन इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स को मिनिमाइज करने के लिए और रेजिन और शीट्स को. Provide a planning application allowing users to make decisions rapidly and reflect them immediately in SAP R3. एक planning application को allow करते हुए जिसमें decisions जो हैं users rapidly allow करें और reflect करें immediately SAP R3 के अंदर. Taking into account customer service policies, customer service policies को ज़हन में रखते हुए and master planning's targets और मास्टर प्लानिंग के टारगेट्स को भी. तो अगर ऑब्जेक्टिव्स को यहां पर देखा जाए, जिसमें आपका जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है प्लानिंग सिस्टम का, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स, तीन लेवल्स हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म. तो बात होती है सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग 24 मंथ्स की है प्रोडक्ट ग्रुप लेवल के ऊपर, जो कि मंथली प्रोडक्शन एंड DRP क्वांटिटीज कर्टाइल्स के ऊपर बात करती है. मास्टर प्लानिंग 90 डेज की डिटेल्ड प्लानिंग, फिर कंपेन प्लान है, डिमांड प्लानिंग और फिर उसके बाद कंसेंसस फोरकास्ट हैं कंपेन सप्लाई और डिमांड के दरमियान, एक इनके दरमियान में इंटरेक्शन क्रिएट करते हुए. तो OMP प्लस और SAP APO की मौजूदगी के अंदर. सो द आर्किटेक्चर ऑफ द प्लानिंग सिस्टम इज एक्चुअली इज इन दिस वे. द OMP प्लानिंग सूट टेक्स ओवर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग टास्क एंड इज कनेक्टेड with SAP ERP for the transactional data as well as SAP APO demand planning for the forecast. OMP planning suit जो है ये take over करता है production और distribution planning tasks को और ये connected होता है SAP ERP के साथ transactional data के लिए और SAP APO के साथ demand planning के लिए, forecasting के लिए. The sales and operations planning module has been introduced as a standalone application back in 2006. ये जो sale और operational planning module है, ये introduced किया गया as a standalone application 2006 के अंदर. Together with SAP's APO demand planning module, SAP APO demand planning module के साथ साथ. Until 2010, the campaign planning, detailed scheduling and available to promise were performed using SAP ERP. By November 2010, the business went live with OMP Plus, which provides an integrated solution to manage campaigns. November 2010 mein business live gaya OMP Plus ke saath, jo ki provide karta hai integrated solutions ko campaigns ko manage karne ke liye. Run the daily scheduling एंड कन्फर्म ऑर्डर्स. डेली स्केड्यूलिंग रन करता है और ऑर्डर्स को कन्फर्म करता है. द S&OP मॉड्यूल विच रन्स द प्लानिंग फॉर 24 मंथ्स प्रोवाइड्स मंथली प्रोडक्शन क्वांटिटीज फॉर ईच प्रोडक्शन एसेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. ये जो S&OP मॉड्यूल है ये रन करता है 24 मंथ्स मंथली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को जो है वो हर प्रोडक्शन एसेट को प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटीज प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के दरमियान. एज मेंशन्ड अर्लियर द सप्लाई चेन इज ग्लोबल सो इन ट्रांजिट इन्वेंट्री इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल. जैसे पहले बताया गया कि सप्लाई चेन जो है ये ग्लोबल फेनोमेना है यहां पर और ये जो इन ट्रांजिट इन्वेंट्री है ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल होती है एंड नीड्स टू बी टेकन इन टू अकाउंट और जरूरत है कि इसका भी ख्याल रखा जाए. Every month,
The OMP plus module imports the target monthly production quantities and works as follows. हर महीने OMP plus module जो है ये import करता है target monthly production quantities को और कुछ इस तरह काम करता है. Number one, split monthly production quantities into a daily campaign plan. Monthly production quantities को split करता है daily campaign plan के अंदर for the next day, अगले दिन के लिए by machine. Number two, assess all orders allocations previously performed since the supply has been modified. Assess करता है तमाम orders को जो कि allocate किए गए previously और supply को जो है वो modify करता है. Adjust planning और adjust the order allocations. Planning को adjust करता है या फिर adjust करता है order allocations को. Number four, send the updated order allocations to the customer service group. भेजता है updated order allocations को customer service group को so that the orders can be re-promised if needed. ताकि orders जो हैं वो re-promised हो सकें अगर इनकी जरूरत हो. On a daily basis, new orders are coming in and steps 2 to 4 are repeated. रोज की बेसिस के ऊपर नए ऑर्डर्स आते हैं और स्टेप 2 से 4 तक रिपीट होता है. वील गो इन मोर डिटेल अबाउट द प्रोसेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. ओएमपी प्लस इंपोर्ट सैप्स ट्रांजेक्शनल डाटा यूजिंग 2 स्टैंडर्ड इंटरफेसेस. ओएमपी प्लस सैप का ट्रांजेक्शनल डाटा इंपोर्ट करता है 2 स्टैंडर्ड इंटरफेसेस को इस्तेमाल करते हुए, POIM फॉर मास्टर डाटा एंड POIT फॉर ट्रांजेक्शनल डाटा. POIM को एज एन इंटरफेस इस्तेमाल करता है मास्टर डाटा के लिए और POIT को ट्रांजेक्शनल डाटा के लिए. द डाटा इज एक्सपोर्टेड सेवरल टाइम्स पर डे यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड मैसेजेस कॉल्ड IDOCS. डाटा एक्सपोर्ट किया जाता है सेवरल टाइम्स एक दिन में स्टैंडर्डाइज्ड मैसेजेस जिनको IDOCS कहते हैं इनको इस्तेमाल करते हुए. LOISTD स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट POIT इंक्लूडिंग ऑल सप्लाई एंड डिमांड एलिमेंट्स. फिर LOIPLO प्लैंड ऑर्डर्स POIT कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द अनकन्फर्म्ड सप्लाई एलिमेंट्स. देन LOIPRO प्रोसेस ऑर्डर्स POIT कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द कन्फर्म्ड सप्लाई एलिमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स. फिर LOIROU राउटिंग्स रिसीप्स POIM इंक्लूडिंग ऑपरेशंस सीक्वेंस एंड प्रोडक्शन रेट्स. फिर LOIBOM बिल ऑफ मटेरियल्स. LOIWCS वर्क सेंटर्स POIM दैट इज मशीन्स एंड रिसोर्सेस. द सेंटर पीस ऑफ OMP प्लस इज इट्स एबिलिटी to tie up supply and demand using allocation cycles. OMP plus ka center piece jo hai ye iski ability hai supply and demand ko tie up karne ki allocation cycles ko istemal karte hue. Both supply and demand elements in SAP are dynamic. Supply or demand elements dono SAP mein dynamic hote hain. For example, a forecast becomes a sales order एंड देन आर डिलीवरी. मिसाल के तौर पर फोरकास्ट जो है एक सेल ऑर्डर बनती है और फिर उसके बाद डिलीवरी. ऑन द सप्लाई साइड अ प्लैंड ऑर्डर बिकम्स अ प्रोसेस ऑर्डर एंड इज फाइनली पोस्टेड टू द इन्वेंट्री. और सप्लाई साइड पर एक प्लैंड ऑर्डर जो है ये एक प्रोसेस ऑर्डर में कन्वर्ट होता है और फिर इसको इन्वेंट्री के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है. दस एन MRP एलिमेंट विल चेंज इट्स टाइप एंड यूनिक आइडेंटिफायर ड्यूरिंग द MRP लाइफ साइकिल. तो इस तरह एक MRP एलिमेंट जो है ये चेंज होगा अपनी टाइप के अंदर और यूनिक आइडेंटिफायर ड्यूरिंग द MRP लाइफ साइकिल, पूरे MRP लाइफ साइकिल के अंदर. इन ईच स्टेप ऑफ द लाइफ साइकिल इट इज क्रिटिकल टू ट्रैक द आइडेंटिफायर बिकॉज इट इज टाइड अप टू द एलोकेशन. लाइफ साइकिल के हर स्टेप पर ये क्रिटिकल है ट्रैक करना आइडेंटिफायर को क्योंकि ये टाई अप होता है एलोकेशन के साथ. Such information was not available in the standard SAP interface. ये information available नहीं थी standard SAP interface के अंदर.
and had to be made available by means of flat files using custom ABAP code. और इसको अवेलेबल करना था फ्लैट फाइल्स की फॉर्म के अंदर यूजिंग कस्टम एबीएपी कोड. सो द इंपोर्ट ऑफ सैप डाटा टेक्स प्लेस विद इन ओएमपीज एसएआई 1 फेचिंग ऑफ आईडॉक्स एंड फ्लैट फाइल्स एंड एसएआई 2 मॉड्यूल्स अपडेटिंग द ओएमपी प्लस मॉडल एज डिपिक्टेड इन फिगर 26.2 जैसे सामने नजर आ रही है. Custom macros written in OPAL, OMP's scripting language, were developed to import the flat files. तो अगर आप लोग यहाँ पर देखिए SAP ECC ERP जो है POIT BAPI CLOI यहाँ से SAI 1 and SAI 2 ये तक shift हो रहे हैं LOI STD, LOI PLO, LOI PRO के through. इसी तरह SAI 3 एंड SAI 4 जो है ये PUR REQS PIORD और PROC ORD जो है ये इसकी फॉर्म में इधर शिफ्ट हो रहे हैं. इसी तरह ही अगर हम OMP प्लस लें तो OMP प्लस के अंदर SAI 1 एंड SAI 2 POIM जो है ये LOI ROU LOI BOM और LOI WCS के थ्रू इधर शिफ्ट हो रहे हैं. SAP ECC और ERP जो है इसकी मौजूदगी में कस्टम ABAP, blocked stack, scheduled lines, deliveries और PUR requests जो हैं ये OPAL macros में shift होती हैं. And these are actually order repromising report. So the planning results consist of an order allocation and supply elements, planned orders and process orders that are sent to SAP's standard interface called CLOI. Class Logistics Optimization Interface. For intercompany replenishments, purchase requisitions are created using BAPIs because CLOI tables do not cover this functionality. OMP's SAI 3 module prepares the input data for CLOI tables while SAI 4 files in the CLOI tables and sends back the reference of the newly created MRP elements. OMP plus order allocation also indicates when an order can be shipped. After each allocation cycle and once the supply elements have been created in SAP, the production planner sends an allocation report to the customer service representatives in a spreadsheet format indicating what action needs to be undertaken for each order item. Potential actions can be do nothing, order can be shipped on time or earlier with the SKUs requested. Repromise for a later date with the initially requested SKUs. Substitute requested SKU A with SKU B to meet the customer requested date. In theory, the reallocation could be translated automatically in SAP. However, from a service standpoint, the supply chain department prefers to double check with customers whether the changes, repromising or substitution are acceptable before reflecting the order change in SAP. So integrated order confirmation and supply planning with OMP plus. The ability to perform order allocations in an interactive manner was a main driver for choosing OMP plus against other APS alternatives such as APOs, GATP. As Meyer 2009 points out, grouping orders helps improve the allocation's cost effectiveness as it gives more freedom to combine demand with supply elements. In the following, we'll explain how the order allocation works and how it is used to trigger the supply plan. Supply versus demand elements. OMP plus core functionality consists of matching supply with demand elements. Both are downloaded from SAP ERP using the logic described previously. Table 26.2 lists all MRP element types retrieved and used within the allocation cycles. A certainty factor is assigned to the MRP element type. Demand elements with the highest certainty will be allocated first. Demand and supply elements with the lowest ranking might be excluded from the allocation cycles
or be treated in the last possible cycle. The rationale behind is that you do not want to miss an order on the books because supply was allocated to a less certain demand forecast or safety stock. Within a plant, a process order is a supply but also triggers internal demand for components. This internal demand is taken into account when allocating orders to a supply that might require a planned order to execute the allocation. So, integrated order confirmation and supply planning with OMP plus MRP elements by descending order of certainty. अगर हम एक साइड पर demand elements in scope देखें और फिर supply elements in scope देखें, तो delivery dependent requirements of process order, sales order, stock transfer orders, quote dependent requirement of planned order, transfer reservation, forecast and safety stock are the demand elements in scope. Supply elements क्या हैं? Stock on hand, in transit inventory, purchase order, process order, firm planned order, purchase requisition and planned order. So definition and weighting of the allocation cost matrix. The allocation cycles can be expressed as a transportation planning problem. Given S, the set of supply MRP elements, and D, the set of demand elements, the objective is to minimize the allocation cost subject to three constraints. So, yahan pe agar aap ye dekhiye, the objective is to minimize cost and allocation. Constraint ensures the previous allocation is taken over before allocating new orders. So, constraint states that the whole demand needs to be supplied, while constraint guarantees that supply is not over allocated. Then additional logic has been built in to take into account the fact that supply elements might change between allocation cycles. For instance, a fully allocated supply of 10 might be reduced to 8, leading to a shortage of 2. Equation needs to be relaxed for the problem to be solvable. Furthermore, the allocation of the matrix takes place in several cycles by descending certainty. Figure 26.3 provides a graphical overview of the allocation logic. After the incremental download, the MRP elements are updated. OMP plus differentiates between new, changed and unchanged orders. In the case above, the allocation D5 and S5 remains unchanged. Elements D3 and D4 were fully allocated to S3 and S4 previously. However, supply element S4 now only allows 12 instead of 13 units to allocate. As a result, there is a shortage of 1 unit. The previously confirmed allocation will be treated in priority because orders were promised against this allocation. D4 will be treated before D3 in the allocation because D4 has not been altered while D3 has been changed between the two SAP downloads, change in quantity or customer requested date. New demand elements D1 and D2 can be assigned to supply elements S1 to S3 because these have unallocated quantities. An accurate definition of the cost matrix is crucial for the automation of allocation cycles. Planners will trust the allocation optimizer provided it delivers explainable results. The allocation should therefore reflect what a scheduler might do in practice using common sense and standard business rules. So if you just see the demand and supply on both sides, there are multiple functions and the round cycle is showing new MRP element, cube change MRP element and the square unchanged MRP element. So the demand was 14, 3, 20, 8 and 9 and the supply was 10, 5, 19, 12 and 9. So 0 is representing existing allocation, no change. One is existing allocation, supply has changed shortage. Then two, existing allocation demand has changed shortage and potential new allocations. The cost matrix is built using different characteristics such as due date of supply and demand elements, hence will the allocation induce a delay. Certainty of the order, if a demand element has high certainty, that is delivery and a due date in a very near future tomorrow, you want to allocate stock on hand against it. Material specifications, among others, product dimensions, minimum lot size, packaging, product origin, planners and schedulers maintain cost matrix
tables in OMP Plus which define the compatibility between the material specifications of the supply and demand elements. Creation of supplier for pegging purposes. Figure 26.4 provides a summary of the complete order confirmation and production planning cycle. Orders are entered in SAP throughout the day. SAP's available to promise logic at sales order entry is set up in such a way that the order always confirms at the end of the total replenishment lead time. The total replenishment lead time reflects the service commitment of the product offering. At this moment, the sales order has been created in SAP but has not been. So, this is the order confirmation and supply planning with OMP Plus. If you just see, this is order confirmation, campaign planning, campaign capacity, distribution planning, pipeline inventory. यहाँ से ये order confirmation होती है पूरे के पूरे sales order और इनकी जो भी overall elements हैं. Order allocation से detailed scheduling, यहाँ से pipeline inventory तक ये move करता है. So through the OMP allocation cycle, the sales order is thus flagged in such a way that the transport planner knows that he or she needs to wait prior to create the delivery note. A delivery note can only be created once the sales order has been confirmed by OMP. Once the SAP MRP elements are exported to OMP, the planner gets a notification that new data is available for allocation. The automatic allocation is triggered once the planner acknowledges the new data and its import. The demand can be allocated to stock on hand, to pipeline inventory, as well as to campaign capacity. So the allocation might require the creation of supply elements in SAP ERP. These supply elements are created after order allocation using a functionality called publishing. Once the publishing is done, an Excel report is sent to the customer service team with the status of each order item. An action might be required and would be highlighted in the report. The most frequent actions imply either substituting an SKU by another or changing the material availability date. If the order confirmation is acceptable for the customer service representative will then flag the order as being confirmed by OMP. Every subsequent change to the order will set the confirmed flag back to zero. The allocation only creates planned orders. Another step linked to the order confirmation cycle is the detailed scheduling. That is the finished scheduling of the supply elements. On a daily basis, the planner scheduler transforms the planned orders into process orders. Since the available capacity is an integral part of the allocation cycles, the process orders seldom face capacity issues. So, on the basis of this, we can now assess results and lessons learned. Kya kya seekha humne? The rollout of the OMP Plus suite has brought drastic improvements for scheduling and repromising. As of now, planners and customer service representatives have a full visibility on order pegging and capacity loading. Every change in the production schedule can be assessed real time on its impact on customers, despite thousands of active order lines at a given moment of time. So thanks to the business rules expressed in the form of a cost allocation matrix, more than 95% of the order lines are allocated automatically by OMP Plus and do not require any manual intervention from the planner. Nevertheless, we observed that allocation rules may strongly vary between supply planners and world regions. Business rules needed to be adjusted regionally to match local preferences or priorities, but could build on a standardized data structure. The application has been rolled out worldwide by a team of two during the past 2 years. Interestingly, the main efforts were put in tweaking the local allocation rules and getting the planners to feel comfortable with the application. Due to the increase in automation, the quality of MRP data had to be improved. Next to the ability of the planner to deal with advanced planning tools and concepts, any flaw in master data has to be spotted by the planner and solved accordingly, because no supply can be sent to SAP otherwise. Before the implementation of OMP Plus, master data errors were tackled outside the system. The main challenge for the project was and remains the management of the payload between SAP and OMP.
On a daily basis, more than 50,000 stock requirement lists are exported from SAP to OMP. Next to the related master data. Exporting such an amount of data takes time, and planners have to work around this constraint. Thanks to an intensive collaboration with OMP, solutions are found to split the data download into smaller subsets, then can be updated fast, hence providing almost real-time data to the planner. So, to finish the lecture, let's have a summary ke kya kuch padha hum logo ne. The purpose of this chapter was to document the implementation of an integrated order allocation production planning design using OMP Plus. So after a description of the case and the challenges, we described the architecture of the planning system, putting emphasis on the interaction between OMP Plus and SAP ERP. Finally, we described the order confirmation and production planning workflow and highlighted the benefits of the project. The company purchased bulk chemical commodities globally using long-term contracts. These provide price stability in exchange of a minimum order volume. Nevertheless, due to the volatility of the oil and gas markets, prices can be index-based. So most of the other raw materials are purchased locally by the plants. The company's production chain consists of three stages: intermediates manufacturing, film extrusion, and finishing operations. The rolls are dispatched to a global network of distribution centers located in the vicinity of key customers. Each distribution center has its own product offering depending on what the customers frequently order. The rollout of the OMP Plus suite has brought drastic improvements for scheduling and repromising. As of now, planners and customer service representatives have a full visibility on order pegging and capacity loading. Every change in the production schedule can be assessed real-time on its impact on customers, despite thousands of active order lines at a given moment of time. तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा. एक मरतबा फिर आपसे इस उम्मीद पर इजाजत चाहता हूँ कि आप लोग अपना बहुत से ज्यादा ख्याल रखेंगे और खुश रहेंगे. खुश रहें, अपना बहुत से ज्यादा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.